तो गाइस नहा धो के हो चुका हूँ फिर से एक बार दोबारा फ्रेश। ये मेरा दूसरा टाइम है और अब तीसरा टाइम मेरा होगा भविष्य बद्री पे। तो चलिए चलते हैं, ताला लगाते हैं अपना ताला। हाँ लेट्स गो। ये रहा हेलमेट, अब निकलते हैं अपनी बाइक की तरफ। होटल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है होटल का रास्ता। किसी और को आवाज़ दे रहे थे, हमने सोचा हमें दे रहे हैं। पूरी स्टोरी बताऊंगा कि मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। फिलहाल बाइक पे चलते हैं और हेलमेट डालते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ये रही बाइक, चलते हैं अब। तो गाइस हमारे साथ हुआ ये, हमने सोचा तपोवन भविष्य बद्री के यहाँ पे हमें होटल मिल जाएंगे, जो कि सच भी था, होटल मिले भी वहाँ पे। बट हम गरीबों के लायक होटल नहीं है वहाँ पे, होटल ऐसी है 2500 से स्टार्टिंग है और मुश्किल से 2 से 3 ही होटल है वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमें वापस बद्री ये सॉरी जोशी मठ पे आकर ही होटल हमें लेना पड़ा है, जो कि 3-4 होटल घूमने का मुश्किल से 800 रुपये का हमें पर नाइट के हिसाब से होटल पड़ा है। तो नहा धो के अपना बाइक स्टार्ट करके हम निकल रहे हैं दोबारा तपोवन भविष्य बद्री की ओर, और शाम को वहाँ से फिर वापस। और इस वक्त के टाइम हो रहे हैं, टाइम बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं इस वक्त, और ये हमारा एंट्री गेट है तपोवन का, और नीचे वाली रोड जा रही है बद्रीनाथ। तो इन बेवकूफ़ों ने यहाँ पे क्यों जाम सा लगा रखा है, बुद्धि नहीं है लोगों में पता नहीं कैसे। फ्री फंड का बीच में खड़ी कर देंगे बेवकूफ़ लोग। हाँ तो जब भी आप लोग कभी आए तो बद्रीनाथ में स्टे करें, ना कि आगे तपोवन में, अगर मुझ जैसे गरीब हो तो। अमीरों की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रुक जाएंगे वहाँ पे। 5 minutes later। हाँ तो गाइस मैं बोल रहा था कि काफ़ी यूट्यूबर्स लोग आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि भविष्य बद्री के आसपास होटल्स भी हैं, उससे थोड़ा पहले भी होटल्स हैं, और उसका प्राइस ही नहीं बताते हैं लोग। प्राइस भी बताया करो, इतना हाई फाई प्राइस है। खैर इस रास्ते पे तो कोई दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, अब जो नज़ारे थे वो पहले ही अपलोड हो जाएंगे इससे। ये तो हमारा सेकंड राउंड है और कल शायद से थर्ड राउंड भी लगेगा, शायद क्या कन्फर्म ही थर्ड राउंड है कल का। तो अब सीधा मिलेंगे आपको भविष्य बद्री पे, वहाँ का एक बार रास्ता दिखा देंगे कि किस तरह का है आगे से, तपोवन के आगे से। तो मिलते हैं आगे। 1 hour later। शायद से यही रास्ता है भविष्य बद्री जाने का, श्योर नहीं, पर काफ़ी लोगों को देखा यहीं से जाते हैं भविष्य बद्री। अब एक बार यहीं से निकल के देखते हैं, मे भी यही रास्ता है। नहीं। तपोवन से 2 किलोमीटर दूर, तो चलते हैं यहीं पे। उतर उतर 1 मिनट। तो दोस्तों ये है भविष्य बद्री का रास्ता, और ये रास्ता इतना ख़राब है कि बाइक भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, पीछे रपट रही थी रोकने पर ही। पर हम इस रास्ते में आपको जाके दिखाएंगे, काफ़ी ख़राब रास्ता है। आगे की तरफ मिलते हैं, यहाँ पे रोड ही ज़्यादा, बंद कर ले। तो गाइस अभी हमने रास्ता पूछा यहाँ से, ये जो पतला रास्ता जा रहा है 12 किलोमीटर का है, तो वहीं हमें भविष्य बद्री का जो दर्शन है मिलेगा। और जो ये रास्ता है यहाँ पे तेंदुए गुलदार भी आते हैं, इसलिए अकेली ट्रैवलिंग का तो यहाँ पे इस्तेमाल करना भी मत। भाई जैसे आप देख सकते हैं कितना ख़राब रास्ता है ये, यहाँ पे ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम करेंगे थोड़ा रेस्ट करके। 15 minutes later। और एक चीज़ और, जब भी आप यहाँ पे आए ना तो बाइक ट्यूबलेस ज़रूर हो, अगर ट्यूबलेस नहीं हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारा रास्ता उबड़ खाबड़ है, टूटा फूटा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। ये देखिए
अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, आप बस रास्ता देखते रहिए कैसा है ये, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चला ही लें वो बहुत बड़ी बात है। रास्ता देखिए कैसा है, ये देखिए है, बहुत ही खतरनाक रास्ता, और हर कोई यहाँ पे नहीं आता पाता, पर आज हम यहाँ पे आए हैं तो आपको दिखाएंगे भविष्य बदरी। दुआ यही करते हैं यहाँ पे कोई जानवर ना मिले। तो यही है भगवान विष्णु के फ्यूचर मंदिर, नहीं तो उससे नहीं बोल रहा, कैमरे से बोल रहा हूँ। तो बद्रीनाथ को छोड़ के अब वो यहीं आके बैठने वाले हैं, और ये जल्द होने वाला है, जिस हालात में जोशीमठ में सीन पे सीन हो जा रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो वो कलयुग का एंड ही है, युग परिवर्तन का समय जिसे हम बोल सकते हैं। गाइस यहाँ पे एक होटल भी है होम स्टे करके, और ये नहीं पता कि ये होटल कैसा है क्योंकि आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं फिलहाल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ये रास्ता बहुत वैसा है उबड़ खाबड़ वाला, और बाइक के पहिए भी रपट रहे हैं जैसे बर्फ़ में रपटते हों, तो ऐसा ख़राब रास्ता है यहाँ का, पता नहीं कब तक बनेगा। फिलहाल 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से अभी तक तो टेंपल आया नहीं है, पर आने वाला है, पास में ही हम टेंपल के काफ़ी। ये देखिए यहाँ पे बच्चे बच गए। तो ये सारे ऊपर के साइड में ग्लेशियर हैं जो धूप के वजह से दिख नहीं रहे हैं, पूरा ग्लेशियर का एरिया है यहाँ पे। One hour later. तो भाई ये रास्ता कैसे बंद हो गया वहाँ पे, अब मुझे लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। ये रास्ता बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। थोड़ी सी दूर है भविष्य बदरी, बाइक हमने लगा दी, और ये हमारे पीछे खैर फिलहाल धूप है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सारा ग्लेशियर है ऊपर, और ये इधर देखिए। इस वक्त हम हैं हवाओं के बीच और ग्लेशियरों के बीच में, मतलब अद्भुत नज़ारा। ये पीछे हमारे है ऊपर ग्लेशियर है, आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा है शायद। तो चलते हैं आप ऊपर भविष्य बदरी की ओर। हमने डिसाइड करा है कि हम बाइक ऊपर ही लेके जा रहे हैं, रास्ता है निकलने का, साइड से निकाल के अपना ऊपर जाते हैं सीधा। स्टैंड पे लगाते हुए कर दो बंद, पार्किंग में बाइक लग चुकी है, और इस टाइम ये छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि फिलहाल बंद है, क्लोज, बाकी पता नहीं खुलता होगा नहीं खुलता होगा। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर ही भविष्य बदरी का टेंपल है, तो चलते हैं आइए वहीं पे। ऑक्सीजन की बहुत कमी यहाँ पे, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, और ट्रैकिंग काफ़ी दिनों बाद फिर।
तो मिलते हैं आपसे आगे। ये सामने भविष्य बद्री का मंदिर, यहाँ कुछ ही समय में हमारे विष्णु भगवान पधारने वाले हैं और हम भी यहाँ पे आज पधार रहे हैं। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है तो इसमें थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये देखे गाइस ग्लेशियर इतने बड़े बड़े, 12 महीने जहाँ बर्फ रहती है आज हम वहाँ पे। हमारे भविष्य के बद्री यही हैं, तो कृपया करके इधर ज़रूर आइएगा। रास्ता भी ख़राब है पर ठीक हो जाएगा जल्दी, आप आइए दर्शन कीजिए, अच्छी जगह है। और इसको जगह ना बोले तो तीर्थ यात्रा एक टाइप से। और जल्दी यहाँ पे हमारे विष्णु भगवान भी आने वाले हैं, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम किसी मंदिर में भगवान बैठे नहीं हैं, बस एक दो को छोड़ के बद्रीनाथ से भी निकल पड़े, बस यहीं आने वाले हैं। अब देख लीजिए यही मंदिर है, यहीं आइएगा आप भी। रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है पर सही हो जाएगा बाद में, साल भर के अंदर अंदर। जैसे कि इस मूर्ति में भगवान विष्णु की जो छवि है क्लियरली दिखाई दे रही है। जैसे कि बताया था कि जोशीमठ में अगर कोई भी त्रासदी आती है, नर नारायण पर्वत जॉइंट हो जाते हैं, प्रलय एक्सेट्रा कुछ भी, तो उसके बाद वहाँ के रास्ते बंद हो जाएंगे और इधर के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि रियल भी है जोशीमठ में, प्रेजेंट सिचुएशन में यही सब चीज़ें हो रही हैं। कोई माने या ना माने पर कलयुग का आखिरी समय ही चल रहा है मेरी नज़र में, बाकी का मुझे नहीं पता। क्योंकि हर तरफ वही चीज़ हो रही है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और यहाँ की जो विष्णु भगवान की मूर्ति है वो भी क्लियरली दिखाई दे रही है, जो कि मैं शॉर्ट्स में और वीडियो में भी आपको दिखा दूँगा। तो बस यही है यहाँ पे, दुआ कीजिए हमारी भी लाइव दर्शन आपको भी मिल रहे हैं यहाँ के, वरना मिलते नहीं है लोगों, काफ़ी लोगों को तो यहाँ के बारे में पता भी नहीं है, पर पता करवाना हमारा काम है और आना आपका काम है। A little longer than a few minutes later. तो भाई काफ़ी टाइम बिताने के बाद तो हमने प्लान किया है कि हम वापस जोशीमठ जा रहे हैं। टाइम इस टाइम हो चुके हैं 5:30, आधा एक घंटा से बैठे हुए हैं यहीं पे। काफ़ी अच्छा फील हुआ, सो निकलते हैं और सीधा मिलेंगे हम जोशीमठ अपने होटल पे। बाय गाइस, हम निकलते हैं यहाँ से बाइक एरिया, अब हम निकल रहे हैं अपने होटल पे। तो चलिए चलते हैं। ये पीछे ग्लेशियर है, तो अपना जो एरिया है वहाँ पे इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है, जैकेट ही पहनना भारी, और यहाँ पे डबल डबल जैकेट लोग पहन के घूम रहे हैं। वाकई में बहुत ठंड है यहाँ पे, अभी इस टाइम का टेम्परेचर भी 10 डिग्री है, ठंड लग रही है। बहुत पतला पहन रखा है, पर आना था हमें यहाँ पे हर हालत में, तो आए भी और करके दिखाया। अब निकलने का टाइम हो चुका है हमारा, निकलते हैं फोटोग्राफी करके अपनी थोड़ी बहुत।
1 hour later. तो गाइस हम आ चुके हैं इस रास्ते से जो कि बड़ा ही खतरनाक है, लाइक मेरे फट के हाथ में आ गई। और ये हमारी ब्लैक पैंथर, इसने काफ़ी मदद करी है हमारी ऊपर चढ़ने में। ये नहीं होती तो चढ़ भी नहीं पाते, सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। खैर दर्शन कर लिए, घूमिए, अब चल रहे हैं गर्म पानी के कुंड में। इससे थोड़ी सी आगे ही है यहाँ पे और एक टेंपल है नंदा देवी का, वहाँ भी होके अपना सीधा जोशीमठ। मिलते हैं टेंपल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद, सॉरी गर्म पानी के कुंड में, वहाँ पे नहाएंगे, डुबकी मारेंगे और खूब खूब तो नहीं, थोड़ा बहुत मज़े करेंगे। ठीक है गाइस, व्यू देखिए आप, ऊपर ऊपर हिमालय ग्लेशियर्स और हम नीचे, मतलब जन्नत है, जन्नत कहते हैं इसे ही, कहते हैं असली जन्नत। अगर किसी को जाने का मन नहीं करता, जीते जी किसी को जन्नत देखनी है तो वो इधर आ जाओ, यहीं मिलेगी तुम्हें स्वर्ग जन्नत जो भी है। खैर फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं गर्म पानी के कुंड में, सीधा वहीं मिलेंगे। गर्म पानी के कुंड में मुश्किल से 15 मिनट लगे तपोवन से यहाँ पे आने में, तो चलते हैं अंदर गर्म पानी। तो हम सोच रहे थे कि इसमें आके नहाएंगे, पर ये कुंड काफ़ी छोटा है, नहाना पॉसिबल नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका एक कुंड और है नीचे की साइड में, वो कह रहे हैं कि ये खूबसूरत भी है पर वहाँ पे मुल्तानी नहीं है। खैर मुल्तानी तो मिली गई है, नहाए आना ना है, मसाल भर गया, 2-3 साल का काम हो जाएगा। निकलते हैं बस यहाँ से बोर के, अब जोशीमठ पहुँचना 1 घंटा लग जाएगा, 8 बजे तक जोशीमठ पहुँच पाएंगे अंधेरे में, तो चलते हैं। जब तक ले बाय। 1 hour later. तो भाई हम रूम पे पहुंच चुके हैं और पहुंच गए, हमें 1 घंटे हो गए, पर हम थक ज़्यादा गए थे तो इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाए। सोना ही है, सोने से पहले खाना भी खाना, खाया नहीं सुबह से कुछ, मैगी खाई थी भूल गया, अब भी कुछ हल्का फुल्का ही खाने, ज़्यादा कुछ नहीं खाने के। तो मिलते हैं आपसे इस रूम के बाहर, यहाँ पे हम हैं खाने की तलाश में, कोई अच्छा ढाबा मिल जाए उस पर अपना खाना खाते हैं, तो चलते हैं ढाबे पे। तो इस रेस्टोरेंट पे बैठे हैं हम, चाउमीन मंगाइए, ट्राई करते हैं फिलहाल, चाउमीन खाते हैं। A few moments later. तो गाइस खाना खा चुके हैं, वो भी दो दो रेस्टोरेंट चेंज करने पड़े, एक में चाउमीन और एक में आलू के पराठे, क्या करें, दिल किया दो दो को खाने का, आज दो का ही खाया। अब खा के अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है और अब हम चल रहे हैं अपने रूम पे, सीधा रूम पे मिलेंगे डायरेक्ट। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं रूम पे और मैं, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो वीडियो भी नहीं बना पाया और फिलहाल रजाई में हूँ, निकलने का मन नहीं कर रहा। तो कल सुबह 6 बजे हम नीति वैली के लिए यहाँ से निकल लेंगे, देखते हैं कितने टाइम में पहुँचेंगे, आपसे सुबह ही मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, बाय।